जय जगन्नाथ। मु आशा करूछि आपण समस्ते खुशीरे थिबे, मु बे बहुत भलरे अछि। चालंतु बिना किछि डेरी न करिकि आजिरो भिडियोटी आरंभ करिबा। आजि आमे जानिबा शनिदेवंक प्रकोपरु किपरि रक्षा पाइ पारिबा। तो चालंतु भिडियोटी को आरंभ करिबा। ज्योतिष शास्त्ररे शनिदेव को क्रूर ग्रह कहा जाए। सूर्यपुत्र शनि कर्मफलदाता एवं तांको दृष्टि रे लोक माने तांको कर्मान जाय किंबा निचरे फल पाई थांती। ज्योतिष शास्त्र रे जदि कौनसी जातकंक कुंडली रे शनिंक साढ़े साती बाधा वाक्य रे थाए, तांको जीवन रे अनेक प्रकार अशांति आसी थाए। एही कारण रे शास्त्र ग्रंथमाला रे शनि विरुद्ध रे उपाय व्याख्यान करा जाए। शनि को प्रकोपरु बंचिबा पई आपण किछि सहज उपाय करि पारिबे। एहारे शनि देवर कृपा प्राप्त हेबो। तो चालंतु आसंतु जानिबा एही उपाय गुड़िक विषय रे। किंतु ता पूर्वरु आपण जदि आमर चैनल टी को सब्सक्राइब करिनाहंती निश्चय करि रखंतु आपण को एही प्रकार वीडियो मिलुथिबो। तो प्रथम उपाय हेउची हनुमान चालीसा पाठ। शनिदेवंक मत आखिरु निजकु रक्षा करिबा पई हनुमान चालीसा पाठ करिबा एक निश्चित सुट उपाय। जदि साढ़े साती आपणक राशि चली चंती आपण शनि क्रोधरे पीड़ित अछंती तेबे निश्चिंत भावरे हनुमान चालीसा पाठ करंतु। श्री हनुमान चालीसांक पाठ शनिर समस्त समस्यारु मुक्ति देथाय। एहा तो थिला प्रथम उपाय। चालंतु एबे आगे जिबा आमर द्वितीय उपाय उपरे। एहा एक अटल उपाय जहा करिकि आपण शनिदेव को प्रसन्न करि पारिबे। सेहा होउछि शनि मंत्र। शनि मंत्र एही परि ओम प्रम प्रेम प्रम महाशनिश्चराय नमः। उपरोक्त मंत्र हेउची शनि बेज मंत्र। शनिदेवंक निष्ठुर दृष्टिरु दूरेइ रहिबा एवं तांक आशीर्वाद पाइबा एही मंत्र जाप करिबा उचित। ओम सान शनिश्चाय नमः। शनिंक खुशी करिबा पई आपण मध्य एही मंत्र जाप करि पारिबे। निश्चय शनिदेव प्रसन्न हेबे। आउ किछि दिन मध्यरे आपणकर साढ़े साती हटि जिवो। तो चालंतु आमर तृतीय उपाय उपरे तेल एवं चलचित्र दान। शनिदेव तेल मंजी तेल एवं छाई दान करिबा को बहुत पसंद करंती। विश्वास करा जाए जे एही जिनिस गुड़ी को दान करी शनि ग्रह शांत हो जाए एवं जणे शनि देवंक आशीर्वाद ग्रहण करे। शास्त्र अनुजाई दान करिबा द्वारा शनि देवंक द्वारा होइथिबा असुविधा दूर होइथाय। एक छाया पात्र दान करिबार आउ एक पद्धति अछि। एक माटी पात्र रे सोरिष तेल नियो एवं एथिरे तुमर प्रतिफलन देखिबा परे दान कर। एथिरे निश्चय शनिदेव प्रसन्न हेबे। चालंतु आमर आगामी उपाय उपरे जहाँ हेउची
ଡାଟୁରା ମୂଳ ପ୍ରତିକାର ଶନି ଗ୍ରହର ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବାକୁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଧତୁରାର ମୂଳ ପିନ୍ଧିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହାକୁ ବେକ କିମ୍ବା ହାତରେ ବାନ୍ଧି ଧତୁରା ମୂଳ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ। ଏହି ମୂଳ ପିନ୍ଧି ଶନିଦେବଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ଶନିବାର ଦିନ ଶନି ହୋରାରେ କିମ୍ବା ଶନି ନକ୍ଷତ୍ରରେ ଧାତୁର ମୂଳ ପିନ୍ଧିବା ଶୁଭ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏବେ ଯାଏଁ ଆପଣ ଯେତିକି ଉପାୟ ଜାଣିଲେଣି ତାହା ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଓ ଆପଣ ସେହି ପ୍ରତିକାର ଉପଯୋଗ କଲେ କି ନାହିଁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଆମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମର ଆଉ ଗୋଟିଏ ଉପାୟ ଉପରେ। ସାତମୁଖୀ ରୁଦ୍ରକଳା ପିନ୍ଧ। ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ସାତମୁଖୀ ରୁଦ୍ରକୃଷ୍ଣ ଶନି ଗ୍ରହକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରନ୍ତି। ରୁଦ୍ରକଳା ପିନ୍ଧି ଭଗବାନ ଶନିଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ଏବଂ ଶନି ଗ୍ରହ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ମନ୍ଦତା ଦୂର ହୁଏ। ସୋମବାର କିମ୍ବା ଶନିବାର ଦିନ ଗଙ୍ଗା ପାଣିରେ ଧୋଇବା ପରେ ଏହି ରୁଦ୍ରକଳା ପିନ୍ଧିବା ଶନିଙ୍କ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ଦେଇଥାଏ। ଏହି ଥିଲା ଆଜିର ପ୍ରତିକାର। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଆମର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି ଆର ଅନ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାର ଅଛି ତ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।